बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। संत सुंदरदास महिला विश्वविद्यालय छात्राओं को प्रदर्शन चाहती है। वहीं छात्र संघ पदाधिकारियों ने विश्व महाविद्यालय के गेट में ताला लगाकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। गौरतलब है कि संत सुंदरदास महिला महाविद्यालय में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव समारोह को लेकर कॉलेज प्रशासन और छात्र संघ हुए सामने सामने। वहीं छात्राओं का कहना है कि जब तक प्राचार्य खुद धरना स्थल पर आकर छात्राओं से बात नहीं करती तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। दौसा से दीपक सैनी की रिपोर्ट। एक्चुअल में क्या है कि 19 तारीख से परीक्षा है ना, और उससे पूर्व की तैयारी, और इसलिए और विधानसभा चल रही है, तो इस वजह से ऊपर अगर हमें आयुक्तालय से परमिशन मिल जाती है तो करा दिया जाएगा और उनको सूचित कर दिया गया। बाकी ऐसा कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं। ये कह रहे भी पहले से प्रोग्राम तय हो गया था। हाँ, वो एक्चुअल में तय करने की स्थिति में था आगे तक, और जब हम तैयारी करते उसी बीच में ये विधानसभा की जो बात आई है, बजट सत्र चल रहा था तो उसलिए उसको पोस्टपोन कर दिया था। नाम बताओ किसका? आपका। रेखा वर्मा। क्या मुद्दा है आपका? हम यह चाहते हैं कि जो लड़कियां साल पूरे साल मेहनत करती है, खेलती कूदती है, अपनी प्रतिभाओं को निखारती है, उन्हें एक थोड़ा सा सम्मान दिया जाए। उसी सम्मान के लिए एक कार्यक्रम करवाया जाता है, वार्षिक उत्सव। हम इस वार्षिक उत्सव को कार्यक्रम करवाने के लिए हम आज यहां पर भूख हड़ताल पे और धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम सबकी सहमति से 13 तारीख को तय हो चुका था, और जसकोर जी को जो हमारे सांसद श्रीमती जसकोर मीणा उनको निमंत्रण दिया जा चुका था, परंतु स्थानीय सरकार के दबाव के कारण हमारा कार्यक्रम अचानक से स्थगित कर दिया गया प्राचार्य द्वारा। अब ये हमें पता नहीं कि और हमारे प्राचार्य स्थगित करने के बाद से छुट्टियों पे चल रही है और हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो आगे क्या करेंगे? आगे जब तक हमें कोई निर्णय या फिर हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं होगा तब तक हम यही पे भूख हड़ताल पे। आपका नाम? महासचिव दीक्षा शर्मा। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन